मुझे दीपिका पसंद है, डेफिनेटली पसंद है, एंड शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, वेरी प्रिटी, शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड शी इज़ हर सेल्फ. आई मीन शी इज़ प्रिटी, सो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को रिजेम्बलेंस लगता है मुझ में और उनमें, बट आई एम हु आई एम एंड इफ माई फीचर्स आर एनहेंस्ड एंड वी बोथ डू लुक अलाइक, सिमिलैरिटी, आई वॉन्ट से कि मैं उनकी तरह दिखती हूँ, सिमिलैरिटी अगर है और रिजेम्बलेंस है तो आई कॉन्ट रियली डू एनी थिंग अबाउट इट. जैसे शाहरुख खान ने कहा था दैट शी रिजेम्बल्स टू हेमा मालिनी जी, जब उनको ओम शांति ओम पे कास्ट किया था, तो ऐसे होता है ना, यू टेंड टू, एक छवि आप देखते हो किसी में, यू नो. तो आई थिंक इट्स नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई लुक. मुझे ऑफकोर्स पसंद है, वाई नॉट, नो शी इज़ नॉट अ विलन, शी इज़ not a hero, she is an anti-hero. When I say anti-hero, I mean that uska apna ek taste hai, uska apna ek style hai. Villain bhi apne aap mein hero hota hai, but I am not the villain jo janbujh ke kisi ke life mein problem create kare. If somebody messes around with Shivani Tai, then she will give it back. Shivani is not somebody jo janbujh ke jaake, you know, chalo kuch mazak karte hai, chalo kuch problem create karte hai, to no. She's like, let me solve my problems in my way, you solve in your way, but agar tum mere isme interfere karogi to tumhe uska jawab bhi milega. To wo apne aap mein hero hai, Haseena apne aap mein hero hai aur wahi challenge hai, to wahi aap logo ko dekhna hai. Class wala hai Shivani Tai ka jo past raha hua, wo to kafi hero hero type, ha positivity tha, to abhi wo negativity to nahi bol sakte. Ye negativity nahi hai, as I said, see, jab kisi ki life mein kuch challenges aate hai, jab kisi ke life mein kuch aise kuch, यू नो, प्रॉब्लम्स आते हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है, फिर लाइफ में वो थोड़े से कठोर हो जाते हैं या उनका तरीका अलग हो जाता है चीज़ों को सॉल्व करने का, वो नो नेगेटिव नहीं होते, वो बस इवॉल्व होते हैं लाइफ में, वो बस एक तरीके से जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की उसको वो रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो एक अलग रास्ता अपनाते हैं, बट इंटेंशंस गलत नहीं होते. तो शिवानी का भी कैरेक्टर ऐसा ही है, शी हैज़ बिन थ्रू समथिंग इन हर लाइफ, जो आपको आगे के एपिसोड्स में देखने मिलेगा, और वो रिवील होगा आप लोगों को कि क्या वजह से शिवानी ताई शिवानी बनी, शिवानी शिवानी ताई बनी है, तो वो आप लोगों को देखने मिलेगा. एंड आई थिंक एज आई सेड, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो लोग इसको एग्जीक्यूट करने वाले, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मैडम सर एंड.